इजरायली सेना लेबनान पर जमीनी हमला करने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के अंदर आत्मविश्वास तो है ही, साथ ही उसके मन में कहीं न कहीं एक डर भी है कि अगर इजरायली फौज लेबनान में घुसती है तो आखिर क्या होगा। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2006 में इजरायली सेना ने लेबनान पर हमला किया था। उस वक्त लेबनान में भारी तबाही मची थी, लेकिन उस वक्त का हिजबुल्ला और आज का हिजबुल्ला दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के हथियारों के दम पर हिजबुल्ला की ताकत में बेतहाशा इजाफा हुआ है और अब यही वजह है कि वो आए दिन इसराइल पर नए नए रॉकेट और मिसाइल बरसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लेबनान में घुसना IDF के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। खुद इजरायली मीडिया भी अब इस बात को कह रही है। दरअसल इजरायली मीडिया हाउस यदियोत एहरोनोत का कहना है कि हिजबुल्ला ने पिछले हफ्ते तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जिसकी उम्मीद IDF को भी नहीं थी। और इसराइल के लिए ये एक ऐतिहासिक हमला था, क्योंकि 2006 के युद्ध के दौरान हिजबुल्ला के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरल्ला ने हाइफा और उससे दूर तक हमला करने का वादा किया था, और आज हिजबुल्ला तेल अवीव से भी भीतर इसराइल में हमला कर सकता है। इजरायली न्यूज़ का कहना है कि हिजबुल्ला को पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों से बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने इसराइल को नुकसान पहुंचाने की ताकत खोई नहीं। हिजबुल्ला ने अभी तक अपनी 10% ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। वहीं IDF के प्रवक्ता ने अपने हालिया बयान में इस बात को माना है कि हिजबुल्ला के पास अभी भी अलग अलग तरह की ताकत बची हुई है। IDF के प्रवक्ता डैनियल हागेरी ने अपने बयान में कहा था, हमारा काम है उनमें से हर एक का ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले हम उसकी रणनीतिक ताकत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो इजरायलियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला की इस ताकत के बावजूद इजरायली सेना लगातार उत्तरी बॉर्डर के करीब बढ़ रही है। हालांकि न्यूज़ एजेंसी यदियोत एहरोनोत का कहना है कि अगर इजरायली सेना लेबनान पर ज़मीन हमला करती है तो उसके लिए ये एक मौत का जाल साबित होगा, जिसे हिजबुल्ला ने IDF के लिए बिछाया है। आपको बता दें कि इजरायली न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट उस वक्त छापी है जब IDF ने अपने 2 रिजर्व ब्रिगेड को उत्तरी बॉर्डर पर ऑपरेशनल मिशन के लिए बुलाया है, और IDF के चीफ ऑफ स्टाफ हेरजी हालेवी ने सैनिकों से लेबनान पर ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार रहने को कहा है। हालांकि यदियोत एहरोनोत का कहना है कि लेबनान पर ज़मीनी हमले को लेकर IDF के टॉक अधिकारी इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अगर इसराइल ऐसा करता है तो ये 1982 और 2006 की गलती को दोहराना होगा। और इजरायली न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि इसराइल हिजबुल्ला के बीच इस तरह के हालात बन रहे हैं। 2006 में भी इसराइल और हिजबुल्ला के बीच कुछ इसी तरह के हालात बने थे, और फिर दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया था, और उस वक्त इसराइल को लगता था कि वो अपनी हवाई ताकत के बल पर हिजबुल्ला को हरा देगा, लेकिन युद्ध में उसे कुछ हासिल नहीं हुआ।